हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का सिलेबस आ गया है। इसमें यूनिट वही रहे हैं 10, लेकिन कुछ टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स यहाँ पर कम हुए हैं। तो मैं आपको, आप अपनी बुक निकाल लो और उस बुक के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताते जाती हूँ, तो आप उस तरीके से कर लो। तो सबसे पहले देखो, यूनिट फर्स्ट आप देखो जो है, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंजियोस्पर्म, आवृतबीजी पादपों में जनन एवं विकास। अब आपने जो इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, वो फर्स्ट चैप्टर यहाँ से हट गया है, जो कि आवृतबीजियों में पादपों में जनन था। तो फर्स्ट चैप्टर को आप यहाँ से हटा दो। फिर उसके बाद में सेकंड चैप्टर है आपका, जो कि है नर और मादा युग्मोद्भिद संरचना एवं विकास, यानी डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट। ये चैप्टर पूरा है इसमें। इसमें आपका इंट्रोडक्शन भी है, फिर उसके बाद में दोनों मेल और फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट भी है, फिर उसके बाद में स्टेमन या जो पुंकेसर है उसकी सारी स्ट्रक्चर है, फिर गेमेटोजेनेसिस भी है कि किस तरह से परागकण हुआ, तो ये टोटली है। फिर मेगा स्पोरोजेनेसिस है कि किस तरीके से जो है बीजांड का निर्माण होता है, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। बाकी जो और चीज़ें हैं वो इसमें से हट गई हैं। तो आप ये मान के चलो कि सेकंड चैप्टर आप पूरा ही करके चलो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में अपन आते हैं थर्ड चैप्टर में। तो थर्ड चैप्टर में पॉलिनेशन है, फर्टिलाइजेशन है और डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। तो ये थर्ड चैप्टर भी आपका टोटली पूरा है, इसमें आपको कुछ भी कट नहीं करना है, पूरा की पूरी चैप्टर है। उसके बाद में इसमें देखो, अपन जो फोर्थ चैप्टर है उस फोर्थ चैप्टर में आ रहे हैं। अब देखो, जो थोड़ा सा अपने थी, चारों चीज़ें हैं वो एज इट इज़ हैं फोर्थ चैप्टर में भी। तो फोर्थ चैप्टर में भी आपको कुछ कट नहीं करना है। एपोमिक्सिस भी है, ए गैमोस्पर्मी भी है, माइक्रो प्रोपेगेशन भी है, पॉली एम्ब्रियोनी भी है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब क्योंकि देखो, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट चैप्टर अपन ने कट कर दिया है, लेकिन फर्स्ट चैप्टर का वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है वो आपको इसमें करना है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि कहने को तो फर्स्ट चैप्टर यहाँ से हट गया है, लेकिन आपको जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है वो एज इट इज़ यहाँ पर आपको करना है। तो आप ये मान के चलो कि फर्स्ट चैप्टर भी यहाँ कट नहीं हुआ है। फिर उसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी। तो प्लांट फिजियोलॉजी में जो फिफ्थ चैप्टर है, ये दूसरी यूनिट स्टार्ट हो गई है। देखो, यूनिट के नंबर वही हैं, जैसे यूनिट फर्स्ट 4 नंबर की है, तो यूनिट सेकंड है वो 9 नंबर की। तो नंबर में कहीं कोई दिक्कत नहीं आई है, कुछ टॉपिक्स हैं वो यहाँ से हटे हैं। अब यहाँ पे देखो, जो सेकंड यूनिट है प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट, उसमें जो फिफ्थ चैप्टर था, जो अभी मैंने रिसेंट आपको कराया था, पादप जल संबंध या प्लांट वाटर रिलेशनशिप, ये यहाँ से हटा दिया है इन्होंने। फिर उसके बाद में टोटली आप इसको हटा देना। फिर उसके बाद में अपन सिक्स्थ चैप्टर पे आ रहे हैं। तो जो सिक्स्थ चैप्टर है, वाटर एब्जॉर्प्शन एंड एसेप्ट ऑफ सैप इन प्लांट्स, पादपों में जल अवशोषण एवं रसारोहण, ये प्लांट एज इट इज़ है पूरा है। तो इसमें आपको कोई भी चीज़ कट यहाँ पर नहीं करनी है। फिर आप आ जाओ चैप्टर 7 में, जो ट्रांसपीरेशन वाला है, ये चैप्टर भी एज इट इज़ है यहाँ पे, तो आपको कट नहीं करना है। तो जिसमें जैसे ट्रांसपीरेशन एंड गटेशन, इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ ट्रांसपीरेशन। फिर उसके बाद में जो चैप्टर 8th है, 8th आपका कौन सा है, मिनरल न्यूट्रिशन वाला। तो वो जो मिनरल न्यूट्रिशन वाला है, ये भी चैप्टर आपका पूरा वही है। इसमें मिनरल न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स है, न्यूट्रिशनल है, मेथड ऑफ, ये सारे आप पढ़ चुके हो। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ प्लांट है, मैक्रो माइक्रो है, फिर हाइड्रोपोनिक्स है। तो ये चैप्टर भी आपका एज इट इज़ है, यहाँ पे कुछ भी कट नहीं हुआ है। उसके बाद में अपन जा रहे हैं 9th चैप्टर में। तो 9th चैप्टर है आपका एंजाइम। तो यहाँ पे भी एंजाइम है, इंट्रोडक्शन है, स्ट्रक्चरल ऑफ एंजाइम है, मोड ऑफ एंजाइम है। तो ये भी आपका पूरा का पूरा चैप्टर है, इसमें भी कोई भी चीज़ कट नहीं हुई है। फिर अपन आते हैं अगली थर्ड यूनिट में।
तो थर्ड यूनिट में अपना चैप्टर 10 से स्टार्ट हो रही है, और 10 चैप्टर है आपका फोटोसिंथेसिस वाला। तो इसमें भी एज इट इज़ है, कोई चीज़ नहीं कटी है, इंट्रोडक्शन है, डेफिनेशन है, फिर उसके बाद में साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, नेचर ऑफ लाइट है, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस है, लाइट रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, C3 साइकिल है, C4 साइकिल है, कैम साइकिल है, फोटो रेस्पिरेशन है। तो पूरी की पूरी चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ इसमें से कट नहीं हुई है। हाँ, ये ज़रूर है कि जैसे मान लीजिए फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस है, तो ये छोटा सा जो टॉपिक है वो यहाँ से हट गया, तो ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। तो इनमें से अधिकतर जो है उसमें बस वो पीछे वाले छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो थोड़े से हटे हैं, बाकी आप ये मान के चलिए कि पूरे चैप्टर्स यहाँ पर एज इट इज़ है। फिर उसके बाद में चैप्टर 11th है, तो इसमें भी ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, आपको पता है। तो इसमें भी इंट्रोडक्शन है, फिर उसके बाद में वही कहाँ पर होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर वगैरह, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, फिर टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन है, साइट ऑफ रेस्पिरेशन है, मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन है, ग्लाइकोलिसिस है, क्रैब्स साइकिल है, ETS है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, फिर उसके बाद में केमिस्टोमेटिव थ्योरी ऑफ ATP सिंथेसिस है, तो ये आपकी यहाँ पे, फिर उसके बाद में फर्मेंटेशन भी है, किडवन क्रिया, फिर जो अदर पाथवे हैं वो भी यहाँ पर है, और फिर इंटर रिलेशनशिप ये भी इसमें है आपके, रेस्पिरेशन ऑफ एम्फीबॉलिक प्रोसेस ये भी यहाँ पे है, और उसके बाद में रेस्पिरेटरी कोटेशन है RQ ये भी है, और फिर जो है ये मान के चलिए इम्पोर्टेंस ऑफ रेस्पिरेशन या फैक्टर इफेक्टिंग है, ये यहाँ से थोड़ा सा हट गया है। तो सारा जो इम्पोर्टेंट है वो तो सारा का सारा यहाँ पर है, इसलिए आपको ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो दोनों चैप्टर हैं वो आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे करना है। फिर उसके बाद में आप देखो कि जो 12th चैप्टर है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म और नाइट्रोजन साइकिल, ये टोटली यहाँ से हट गया है। तो आपको चैप्टर 12th को ओवरलुक करना है, उसको हटाना है यहाँ से। फिर अपने पास में अगला चैप्टर आ रहा है ग्रोथ वाला, प्लांट ग्रोथ वाला। तो प्लांट ग्रोथ में आपको जो है इंट्रोडक्शन है, और उसके बाद में ये फेज ऑफ ग्रोथ और काइनेटिक ये सब आप हटा देना, इसकी ज़रूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन के बाद में सीधे आप आ जाना ग्रोथ रेगुलेटरी सब्सटेंस, उसमें आपके सारे जो हार्मोन्स वगैरह हैं ये सारे आपके ऑक्सिन हैं, जिब्रेलिन है, तो इनको आपको करना है, इन रेगुलेटर्स भी आपको करने हैं और इनहिबिटर्स भी, एब्सेसिक एसिड वगैरह जो है ये टोटली करना है। तो स्टार्टिंग वाला जो पोर्शन है वो आपको यहाँ से हटाना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो यूनिट है वो यूनिट है आपकी किसकी, बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में जो है चैप्टर 14 जो इंट्रोडक्शन वाला है, या जिसमें थोड़ी सी हिस्ट्री विस्ट्री दे रखी है, वो इन्होंने यहाँ से हटा दिया है। तो चैप्टर 14 को आप यहाँ से डिलीट मार देना, ख़त्म कर देना इसको, और आप फिर क्योंकि अभी आपको पढ़ाया नहीं तो आपको इतना ज़्यादा इसका पता नहीं है। फिर अपन आते हैं चैप्टर 15 में, तो चैप्टर 15 है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में इंट्रोडक्शन भी है, फिर उसके प्रोसेस वगैरह भी, तो ये मान के चलिए CDNA और जेनोमिक लाइब्रेरी है, माइक्रो जो है प्रॉप्स हैं, टेक्निक है, एनालिसिस है, तो ये जो है पूरा का पूरा चैप्टर आपका आएगा। तो 14 को आप हटा देना, और यहाँ पे जो 15 चैप्टर है वो 15 चैप्टर पूरा एज इट इज़ आपका आएगा। फिर उसके बाद में अपन 16 चैप्टर पे जा रहे हैं, तो 16 चैप्टर है प्लांट टिश्यू कल्चर वाला। तो ये जो प्लांट टिश्यू कल्चर है इसमें भी जो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है और थोड़ी बहुत हिस्ट्री वगैरह है वो आपको करनी है, फिर उसके बाद में इसके रिसोर्सेज वगैरह ये भी टोटली करने हैं, स्टेप ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन, तो ये भी आपका एज इट इज़ पूरा आएगा, इसमें भी आपको कुछ कट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर इन प्लांट है, ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं, इम्पोर्टेंस अचीवमेंट्स इन एग्रीकल्चर मेडिसिनल साइंस रिलेटेड टू ट्रांसजेनिक, तो ये एज इट इज़ है, इसमें आपको
थोड़ी सी मेथड इसमें ज़रूर हटते हैं, लेकिन वो अपन करेंगे क्योंकि मेथड के बिना ये काम होगा नहीं। तो ये वाला जो चैप्टर है वो चैप्टर आपको एज इट इज़ करना है, इसमें आपको कोई भी चीज़ कट नहीं करनी है। उसके बाद में देखो फिर अपन आ रहे हैं अगली यूनिट, और यो यूनिट आपकी कौन सी है, फिफ्थ यूनिट है, और उस फिफ्थ यूनिट में से सेवन चैप्टर जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का एक पेपर का है वो इन्होंने हटा दिया है। बाकी जो 18 चैप्टर है उस चैप्टर में आपके सारी चीज़ें हैं, इसमें आपके पूरी इकोनॉमिक बॉटनी है, पूरी की पूरी चीज़ है, वो आपको एज इट इज़ करनी है। तो 18 चैप्टर को आपको पूरा करना है। फिर उसके बाद में अगर अपन 19 चैप्टर पे जा रहे हैं तो 19 चैप्टर यहाँ पे आपका हटा दिया गया है, जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है यानी प्रतिपालनीय कृषि है, तो उसको यहाँ से हटा दिया गया है। बाकी 20 चैप्टर पूरा का पूरा है। तो यहाँ पर ये आपके पांच चैप्टर हो गए कौन से, बॉटनी से रिलेटेड, और उसमें मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो ये तो आपका जो पार्ट वन वाली बुक है उसमें सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब उसके बाद में आप इसका सेकेंड पार्ट जो है उस पार्ट को यहाँ पर लो, और इसमें अपन स्टार्ट कर रहे हैं सिक्स्थ यूनिट से, और जो सिक्स्थ यूनिट है वो आपकी कौन सी है, मेल पिजन, अब जो वो सॉरी ह्यूमन फिजियोलॉजी है। और इस ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो चैप्टर 21 है, जो स्किन वाला चैप्टर था, उस चैप्टर को इन्होंने यहाँ से हटा दिया है। फिर उसके बाद में चैप्टर 22 पे आप आइए, जो कि डाइजेशन सिस्टम का है। इसमें डाइजेशन सिस्टम में सारा है आपका चैप्टर, इंट्रोडक्शन भी है, स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट कैनाल भी है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन है, लेकिन बस इसमें लास्ट में जाके जो इससे रिलेटेड डिजीज़ वगैरह हैं उनको यहाँ से हटा दिया है। तो ये आपको मतलब ये मान के चलिए कि जो ऐसी चीज़ें थी इनमें अधिकतर जो सारे चैप्टर्स उनमें से डिजीज़ वगैरह हैं इनको हटा दिया है। फिर उसके बाद में जो चैप्टर है 23 रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, इसमें भी इंट्रोडक्शन है, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है, फिर रेस्पिरेटरी ऑर्गन वगैरह है, वॉल्यूम है, कैपेसिटी है, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन है, और इसमें आपके रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं तो इसमें आपको डिजीज़ नहीं हटानी है, एज इट इज़ पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पर करना है। फिर उसके बाद में अपने पास चैप्टर 24 है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वाला, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन है, फिर कंपोजिशन ऑफ ब्लड है, फंक्शन ऑफ ब्लड है, ब्लड ग्रुप्स है, ब्लड कोगुलेशन है, ब्लड वेसल्स हैं, हार्ट स्ट्रक्चर है, वर्किंग है, डबल ब्लड सर्कुलेशन है, लिम्फेटिक सिस्टम है, और ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसमें फिर वो लास्ट में जो इसके डिसऑर्डर्स वगैरह हैं उसको इन्होंने यहाँ से हटा दिया है, तो वो कोई इतना ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता है। फिर उसके बाद में अपन आ रहे हैं चैप्टर 25 एस्क्रीटरी सिस्टम वाला, इसमें भी इंट्रोडक्शन है, एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट सारी चीज़ें हैं, फिर ह्यूमन एस्क्रीटरी सिस्टम है, इंटरनल हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनी है, फिर उसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ यूनिफेरस ट्यूबल्स नेफ्रोन ये सारी चीज़ें हैं, फिर उसके बाद में पूरे ऑर्गन्स हैं, हीमियोडायलिसिस है, किडनी ट्रांसप्लांट है, फिर लास्ट में इसमें भी जो थोड़े डिसऑर्डर्स वगैरह हैं वो डिसऑर्डर यहाँ से हटाएं, बाकी हीमोडायलिसिस और आर्टिफिशियल जो है किडनी ट्रांसप्लांट ये पूरी चीज़ें, तो ये बस डिसऑर्डर्स ये मान के चलो यहाँ से हटा दिए गए हैं। फिर उसके बाद में अपन ये देखते हैं कि जो अगला चैप्टर था वो चैप्टर था कौन सा, जो कि नर्वस सिस्टम वाला था, बहुत कॉम्प्लिकेट था और थोड़ा टफ भी था, तो ये जो 26th चैप्टर है वो चैप्टर यहाँ से इन्होंने पूरा का पूरा एज इट इज़ हटा दिया है। फिर उसके बाद में जो 27th चैप्टर है जिसमें कि ये ऑर्गन वगैरह थे ह्यूमन के सेंसरी ऑर्गन वगैरह, इसको भी इन्होंने यहाँ से हटा दिया है। तो उसके बाद में जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो सेकंड यूनिट है, मतलब कि यूनिट तो सेवेंथ है लेकिन इसका जो सेकंड पार्ट है वो पार्ट स्टार्ट हो रहा है किससे, रिप्रोडक्टिव से, तो ये 28 चैप्टर एज इट इज़ है पूरा का पूरा।
फिर उसके बाद में 29 चैप्टर है पूरा का पूरा। तो अब यहाँ पे जो है चैप्टर आपको बस उसी हिसाब से देखना है जो केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला है वो पूरा का पूरा है। फिर उसके बाद में अब अपन आ रहे हैं यूनिट 31। इसमें अब ये मान लीजिए कि जो चैप्टर 30 है उस चैप्टर को यहाँ से हटा दिया है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन इन मैन। तो जो ये स्केल्टन वाला और या जो बोन ओन वाला जो चैप्टर था वो इन्होंने यहाँ से हटा दिया है। और उसके बाद में इन्होंने लिया है चैप्टर आपका 31, जो कि 31वां चैप्टर है। और इस चैप्टर में गैमेटोजेनेसिस इन ह्यूमन, जैसे अपने उधर प्लांट में है ऐसे मेल और फीमेल जो है एग और स्पर्म उसके डेवलपमेंट का है। तो 30 चैप्टर पूरा का पूरा है इसमें। फिर उसके बाद में 32 चैप्टर अपन देखते हैं तो वो भी पूरा है, फर्टिलाइजेशन, इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, आर्टिफिशियल, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। फिर अपन देखते हैं चैप्टर 33, तो ये भी पूरा का पूरा है, इसमें पूरी एम्ब्रियोलिन डेवलपमेंट है। अब ये सारे जो चैप्टर हैं वो दो दो पेपर गए तो इतना कोई दिक्कत है नहीं। फिर उसके बाद में चैप्टर 34 है जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह है, ये टोटली चैप्टर आपका आएगा। तो ये यहाँ तक तो आपका हो गया। फिर उसके बाद में यूनिट 9 है जेनेटिक्स और जीनोम वाली। तो इसमें जो है स्टार्टिंग का जो चैप्टर है 35 मेंडल्स वाला, ये एज इट इज़ है, इसमें सारे मेंडल्स वगैरह का टोटली है। तो आप देखो मेंडल्स लॉ भी है, फिर सिलेक्शन ऑफ वाला भी है, फिर क्रॉसिंग टेक्निक मेंडल और सिग्निफिकेंस ऑफ मेंडल लॉ, रीजंस ऑफ मेंडल सक्सेस, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, क्रोमोसोम, सेक्स डिटर्मिनेशन इन, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर है। फिर उसके बाद में अपन चैप्टर 36 देख रहे हैं तो उसमें आपका है मानव में गुणसूत्र विकृतियाँ, तो ये भी पूरा का पूरा चैप्टर है। और उसके बाद में अपने पास में नोट्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो चैप्टर 36 भी आपका पूरा का पूरा है। फिर उसके बाद में आप देखो चैप्टर 37 पूरा हट गया है, और फिर 38 चैप्टर है वो भी पूरा का पूरा यहाँ से हट गया है। और जो पॉपुलेशन वाला था, ह्यूमन पॉपुलेशन वाला, वो भी यहाँ से हटा दिया है। फिर उसके बाद में अपन जा रहे हैं चैप्टर 39 जो ह्यूमन वेलफेयर एंड हेल्थ वाला है, तो ये आपका चैप्टर पूरा का पूरा है। और उसके बाद में अपन जा रहे हैं चैप्टर 40 जिसमें कि इम्पोर्टेंस ऑफ कॉमन ह्यूमन डिजीज़ है, ये चैप्टर भी आपका पूरा का पूरा है। लेकिन उसके बाद के जो चैप्टर 41 है और उसके बाद में जो लास्ट चैप्टर है 42, ये सारे के सारे चैप्टर जो है यहाँ से ख़त्म हो गए हैं। तो बस आपको इतनी चीज़ें वो यहाँ पे ध्यान रखनी है। अभी भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। तो चैप्टर्स जो हैं कुछ यहाँ पे डिलीट किए गए हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो कि इतने वो नहीं थे उनको हटाया गया है, बाकी यूनिट वही 10 हैं, नंबर यूनिट के वही हैं। तो इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत हो फिर भी आप पूछ लेना। ओके, थैंक यू।